सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, भाई राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज के इस शाम की प्रार्थना सभा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही हम सब आपके सहयोग के लिए और निरंतर जो आप सब हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम सब आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम सब ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर निरंतर आपको आशीष देता रहे। तो आइए हम आज की आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और हम आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं, वचन को पढ़ेंगी बहन सोनम और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें और अंत तक जुड़कर ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। आइए इस वक्त में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और शांत होकर अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज का दिन सचमुच प्रभु ने एक आशीषित दिन को ठहराया है। इस दिन में बहुत सारे जगहों में गुरुओं के आदर में उनका स्वागत, उनका सम्मान, उनका धन्यवाद किया जा रहा होगा। और आज ऐसे बहुत सारे जगहों में जहां बहुत सारे समारोह होंगे, आनंद के गीत गाए होंगे, उन तमाम बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने ही ठहराया है और इस दिन में हम आनंदित होकर इस शाम के आराधना में जुड़ पाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। तमाम उन बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि सचमुच प्रभु ने हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरुओं को देकर, जब हम स्कूल में होंगे उस वक्त में शिक्षकों को देकर, हमारे परिवार में माता पिताओं को देकर, भाई बहनों को देकर ईश्वर ने हमें बहुत सारी बातों से अवगत कराया, बहुत सारी शिक्षाओं को हमारे जीवन में दिया, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो सांसारिक हो। आज हम तमाम उन लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे कि वैसे गुरुओं को दिया प्रभु ने जिनसे हम ऐसी शिक्षा को पाए, ऐसी आज्ञाओं को जाने, ऐसे ज्ञान को जाने जिनसे हमारा जीवन आज बदल गया है। तो उन तमाम गुरुओं के लिए, तमाम शिक्षकों के लिए, तमाम उन अगुओं के लिए, उन दास दासियों के लिए, तमाम उन अधिकारियों के लिए जो आज जिस भी रीति से जिस भी जगह में कार्यरत है, उन तमाम गुरुओं के लिए हम आइए हम आत्मा में होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें और अधिक प्रज्ञा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि वे जो भी कर्तव्य को करें ईमानदारी से करें, अपने जीवन को समर्पित होकर हर एक कार्य को ईमानदारी से करते हुए प्रभु की योग्य जीवन जीने पाए। आइए हम इस वक्त में प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, दीन दयालु, प्रेमी पिता ईश्वर, हम फिर से प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर कि तूने हमारी आध्यात्मिक आंखों को खोला है प्रभु, आध्यात्मिक कानों को खोला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि हम गहरे गर्त में थे, हम पाप में थे प्रभु, और तूने अपने बच्चों को भेजकर हमें अपनी आज्ञाओं, अपनी शिक्षाओं पर चलना सिखाया प्रभु। उस वक्त में प्रभु तूने अपने दास दासियों को भेजा मेरे पिता, जब हमें कोई नहीं पूछा मेरे परमेश्वर, जब हमें कोई नहीं मेरे पीछा पूछा मेरे पिता, उस वक्त में प्रभु आपके बेटे और बेटियां ने पिता हमारा हाथों को थामा है परमेश्वर, हमें समझा है प्रभु। उस वक्त के लिए, उस पल के लिए, उस समय के लिए ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। हाँ मेरे पिता ईश्वर, उस सहायक पवित्र आत्मा को देने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा मेरे पिता। तो इस वक्त में प्रभु हम सबों को तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, जो हमें निरंतर तेरे मार्ग पर चलने की शिक्षा को दे, तेरी आज्ञाओं को समझने की प्रज्ञा को दे मेरे पिता।
हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर इस पूरे प्रार्थना उदय सेवा इकाई के लिए, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर कि उनके माध्यम से तूने बहुतों के जीवन को आज सवार दिया है प्रभु, बहुतों के जीवन में अद्भुत रीति से अपने कार्यों को पूर्ण किया है प्रभु, हमें अपने प्रेम से अवगत किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस प्रेम के लिए, इस कृपा के लिए, इस दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर हम सभी भाई बहनों के लिए जो तेरे कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु तो उसमें आशीष को देता है, बरकत देता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में प्रभु जो तेरे बच्चे तेरी संगति में जुड़े हैं मेरे पिता, प्रार्थना आराधना में प्रभु उन सबों को मेरे पिता इस वक्त में स्पर्श करना, वे तुझसे जुड़ने पाए प्रभु, तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु, तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को सुनकर उन पर चलने वाले बनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि बहुत सारे बच्चे प्रभु इस वक्त में जो हमें ऑफलाइन देख रहे होंगे मेरे पिता, जो हमें इस आराधनालय में देख रहे होंगे प्रभु, उन सभी के सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपका बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हम सबों को नया जीवन दिया है प्रभु आत्मा में, हम सबों में एक नई आत्मा को फूंक दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर कि आज के दिन में मेरे पिता कि हम आपको जान पाते हैं प्रभु, आपको पहचान पाते हैं, आपको महसूस कर पाते हैं प्रभु, तू निरंतर मेरा हम सबों का प्रभु पथ प्रदर्शन करता है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में मेरे पिता जब हम आराधना करें, प्रार्थना करें प्रभु, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, हमें क्या बोलना है, कैसे गाना है, कैसे तेरे स्वरों को मेरे पिता ईश्वर हम कर सकते हैं, एक मधुर वाणी को देना मेरे पिता ईश्वर, ताकि तेरे बच्चे प्रभु तेरी आत्मा से तेरी उपस्थिति से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम जब तक जीवित रहे तेरे संग रहे मेरे पिता, हम जब तक इस धरती में रहे तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बनने पाए, तेरी इच्छा को पूर्ण करने वाले बनने पाए, तेरी योजनाओं को पूर्ण करने वाले बनने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर। इस वक्त में प्रभु हम सबों को आत्मा में एक करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ईश्वर आज के मौसम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हम जिस भी जगह में है प्रभु उस जगह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस पूरे आराधनालय के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, और फिर से प्रभु हम आपकी दासी सिस्टर हस्तों को तेरे हाथों देते हैं प्रभु, तो उनके मुख से होकर अद्भुत रीति से आज हम सबों से बातचीत करना, हमारी अंतर आत्मा को खोलना प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके, समझ सके, और अपनी बेटी के मुख से होकर प्रभु अद्भुत रीति से मेरे पिता हम सबों के हृदय में अपने वचन के बीच को बोना मेरे पिता, ताकि हम उन्हें सुनकर समझने वाले बनने पाए मेरे पिता, ग्रहण करने वाले बनने पाए। धन्यवाद करते फिर से प्रभु आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सूर्य और स्वर के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। ये हम सब आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे, और आज हम ईश्वर से कहेंगे, आज हम ईश्वर को पुकारेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमें ऐसा मन दीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम सब सिर्फ और सिर्फ आपको ही ढूंढने वाले हों, हम सब सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहें, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप हो। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मैं जब तक जीवित रहूं, जब तक इस पूरे जीवन में जीवन की अंतिम सांस तक आपका ही साथ हो, सिर्फ आपका साथ हो। हे ईश्वर आज हम आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका सहारा चाहते हैं, आपकी जो शिक्षाएं हैं, आपकी जो आज्ञाएं हैं, जो वचन जो आपने कहा है, हम सबको सिखाया है, उन वचनों के अनुसार हम जीवन भर जीते चले जाएं, हम जीवन के हर एक परिस्थितियों में, जीवन के हर एक क्षणों में आपकी उन आज्ञाओं शिक्षाओं वचनों के अनुसार जीवन को जीते चले जाएं। हम आज ईश्वर से कहेंगे ईश्वर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन आनंदमय हो, और हम ये जानते हैं कि ये बिना आपके सरल नहीं हो सकता, ये बिना आपके सहज नहीं हो सकता, और ये बिना आपके आशीषित तो हो ही नहीं सकता, हम आपको छोड़ के हम कहीं जा ही नहीं सकते। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे
और इस आराधना के दौरान मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें वो वरदान दीजिए, हमें हमारे अंदर वो इच्छा को जगाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारे, आपको ढूंढे और आपके साथ रहना चाहें।
रोशन प्रभु दिया हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा डाला है वचन प्रभु दिया हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है ऐसा तारा है जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा तेरे ही संग ये जीवन सफर जीवन सफर रहेगा हे प्रभु हम इस जीवन की राह में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चलना चाहते हैं हे प्रभु आज हम मांगते हैं प्रभु हम सब के लिए कि हमारे विश्वास को हमारे भरोसे को दृढ़ कीजिए ताकि जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारने वाले हों हम सिर्फ आपके पास आए प्रभु सिर्फ आपके पास ये प्रभु हम नहीं चाहते प्रभु कि हमें किसी भी मनुष्य का भरोसा हो लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा करना चाहते हैं पिता क्योंकि हमने जान लिया है प्रभु हमने जान लिया है कि हमारी हर एक परेशानियों को हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को हर एक सुख को हर दुख को सिर्फ और सिर्फ आप ही सुनेंगे प्रभु और आप ही के पास हमारे जीवन की तमाम परिस्थितियों का समाधान है हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सब के मन हृदय को आज तैयार किया है प्रभु और हम आज इस बात को सीखेंगे इस बात को समझेंगे प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके पास आए सिर्फ और सिर्फ आपके पास धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना को स्वीकार करने के लिए और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए आज का ठहराया गया वचन है मरकुस अध्याय 16 पद संख्या 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे नई नई भाषाएं बोलेंगे और एक वचन है यिर्मयाह अध्याय 17 पद संख्या 5-8 यहोवा यूं कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो जब धूप होगी तब उसका ना लगेगी उसके पत्ते हरे रहेंगे
और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हम दूसरे अनुवाद से पढ़ेंगे। संत मरकुस अध्याय 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। और एक वचन, इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5-8। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगे हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में आगे बढ़ने के पूर्व, जितने भी लोग यूट्यूब से इस वक्त में सुन रहे हैं या देख रहे हैं या इस जगह पर उपस्थित हैं, एक क्षण के लिए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे महान प्रेमी पिता, सर्वप्रथम आज के सुंदर दिन को देने के लिए प्यारे प्रभु, प्रार्थना योद्धा परिवार होकर हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे प्रभु, उस माँ के गर्भ से तूने आज के इस दिन तक तूने संभाला। जीवन में अनेक सारे उतार और चढ़ाव आए, उन पलों में पिता तूने अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर तूने हम सबों को दृढ़तापूर्वक थामे रखा। पिता, हम आपके द्वारा दिए गए तमाम कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं सचमुच में उन माता पिता, उनके द्वारा प्यारे प्रभु तूने हम सबों को सिखाया। पिता, हमारे शिक्षकों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, जितने भी आत्मिक अगुवे हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सबसे बड़े अगुवे और हमारे शिक्षक और हमारे गुरु आप हैं प्यारे प्रभु, जो हम सबों को नित प्रतिदिन तेरे आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है, कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे प्यारे प्रभु हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन को जी सकें। पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम सबों के जीवन के द्वारा। पिता, कई बार हमने वही किया जो तेरी दृष्टि में अनुचित है प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे बेटे और बेटियां हैं, जो भी इस वक्त में जहां भी हैं पिता, जो तुझे पुकार रहे हैं और जो तुझे नहीं पुकार रहे हैं पिता, सबों पर तू दया कर और सबके पाप और गुनाहों को क्षमा करने के लिए तूने अपने आप को सूली पर बलिदान किया। पिता, तेरे उस महान प्रेम की कामना करते हैं पर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज के दिन में इस जीवित वचन को सुनने और सुनाने में पिता तू हम सबों की सहायता करना।
पिता आज हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के मर्म को समझने में पिता और समझाने में तू सहायता करना। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज जितने भी तेरे सेवक सेविकाएं हैं इस वक्त में जहां भी तेरे नाम से खड़े हैं पिता, हर एक के मुख को तो स्पर्श कर रहा है, तो अपने शब्द को रख रहा है पिता। आज यीशु मसीह के नाम से हर बंधन है पिता, यीशु तेरे नाम से खुलने जा रही है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए इस झुंड के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जहां भी तेरे नाम से संगति कर रहे हैं इस वक्त में पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। आज होने दे अपनी उपस्थिति से अपना सामर्थ्य को हम सबों के जीवन पर तूने प्रकट किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो पहला वचन है मरकुस के सुसमाचार से अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। दूसरा वचन है नबी एर्मियास की पुस्तक से, एर्मिया नबी की पुस्तक, एर्मिया नबी के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 8। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आज इस वचन के द्वारा, पहला जो वचन है इसके द्वारा प्रभु हम सबों को ये बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर बोल रहे हैं कि जितने भी लोग, ईश्वर बोल रहे हैं विश्वास करेंगे, ईश्वर बोल रहे हैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद जब अपने शिष्यों को दिखाई देने लगे, तो उस समय में अपने चेलों को ये बतलाते हैं कि यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो तुम भी मेरे नाम से क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और ईश्वर आज किसके अंदर है, हमारे और आपके अंदर ईश्वर है, लेकिन हम सभी लोग आज ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं। ईश्वर आपके अंदर है और आपको ईश्वर पर विश्वास करने का एक वरदान दिया गया है, लेकिन कई बार हम लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर हम लोगों को सामर्थ्य को दिए हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप को क्या महसूस करते हैं, कमजोर। इसीलिए यीशु के शिष्य जब दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जब गए, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए। यीशु वहाँ उन लोगों को डांटते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ यीशु अपने चेलों को आज के वचन में बता रहे हैं कि विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अर्थात जब ईश्वर का आत्मा
पवित्र आत्मा आएगा तो ईश्वरीय सामर्थ्य से ईश्वर आपको भरेंगे। आप भी ईश्वर पर विश्वास करते हुए अगर आप आदेश देंगे दुष्ट आत्माओं को, वे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से क्या करेंगी? बाहर निकल जाएंगी। आपके अंदर वो शक्ति है जो प्रभु ने आपको दिया है। ईश्वर ने कहा है वे नई नई भाषा बोलेंगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ तो यीशु के शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे, वे डरे और सहमे हुए थे। उसी समय ईश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरते हैं। और जब अभिषेक होता है, प्रेरित दो में हम लोग पढ़ेंगे, जब दो से चार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि वे नई नई भाषाएं वे बोलने लगे। लोगों को लग रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये अंगूरी पीकर क्या हो गए हैं? मतवाले हो गए हैं। लेकिन वे आत्मा से भर गए थे और इसलिए वे अन्य अन्य भाषा में वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। चूंकि ईश्वर ही है जिसको हर भाषा हर ज्ञान मालूम है, चाहे आप मुंडारी में बोलिए, शादरी में बोलिए, भोजपुरी बोलिए, खड़िया में बोलिए, जिस भी भाषा में बोलिए, आपकी भाषाओं का ज्ञाता, आपकी भाषाओं को समझने वाला कौन है? ईश्वर है। तो आपको अपने पिता पर क्या करना है? विश्वास करना है। और जैसे ही आप विश्वास के साथ अपने घर वालों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति उस जगह पर हो जाएंगी। लेकिन हम लोग पहले ही क्या हो जाते हैं? आप विश्वास करने लगते हैं। इसलिए कई बार हमारे जीवन के द्वारा कार्य नहीं होता है। हमारे भाई एवं बहनों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपके द्वारा ये काम होगा, आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, और ईश्वर उनको अपने शक्ति और सामर्थ्य से क्या करते हैं? भरते हैं। तो आपके अंदर ईश्वर ने वो सामर्थ्य को दिए हैं, तो उस सामर्थ्य को आज आप पहचाने। जिस विश्वास को परमेश्वर ने दिया है आज आप पहचाने। जब प्रभु की अनुग्रह, ये तो हमारे किसी धर्म का कार्य या हमारे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, लेकिन ये तो ईश्वर की अनुग्रह है कि ईश्वर ने आज हमें चुना और ईश्वर ने उस भीड़ में से अलग किया। ईश्वर ने उस विश्वास के दान को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ये बताया, बेटा तू जा इस जगह पर, लोग बीमार हैं, उन बीमारों पर हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। और प्रभु ने चंगाई को दिया। शक्ति मेरे पास है? नहीं। शक्ति और सामर्थ्य किसके पास है? ईश्वर के पास है। बस अपने पिता पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए हम जाते हैं कि ये मेरे पिता का क्या है? आदेश है। और जैसे ही हम पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं और प्रभु अपने उपस्थिति को, अपना सामर्थ्य को, अपने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को प्रभु दिखाते हैं, उस समय में यीशु मसीह यहाँ अपने शिष्यों को भी अपनी उपस्थिति को दर्शाते हुए अपना सामर्थ्य को प्रकट करते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। जब प्रभु का अभिषेक मिला पवित्र आत्मा के द्वारा, चूंकि हम सभी बिल्कुल नए थे, और आज शिक्षक दिवस है तो प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ही, पवित्र आत्मा ही हमारा गुरु है। पहला यूहन्ना 2:27 में प्रभु का वचन लिखता है, मसीह में जो तुम्हें आत्मा मिला है, तुम्हें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर को सुने, और जब आप ईश्वर को सुनेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा निरंतर आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले प्रभु एक घटना को याद दिला रहे थे, प्रभु कैसे अपना सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, कैसे प्रभु हमारे जीवन में अपने उपस्थिति को दिए। बस हम क्या किए? विश्वास किए। हमेशा ईश्वर ने यह बताया, बेटा तुम मुझ पर विश्वास कर।
और ईश्वर पर विश्वास करते हुए एक छोटा भाई आए, एक लड़का आया, छोटा लड़का। और उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं और मुंबई के एक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो बच्चा इतना ही बोल पाया और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। मैं थोड़ी देर तक मैं सोचते रही कि मैं क्या बोलूँ, प्रभु ये तो तेरे शरण आए हैं, ये तो मेरे पास नहीं, ये तो तेरे पास आए हैं, प्रभु मैं क्या करूं। और मैंने कहा कि इस बच्चे को पानी पिलाइए और थोड़ी देर बैठाइए। उस बच्चे को बाहर बैठाए हमारे सहयोगी, और मैं अंदर चली गई बेदी में, और मैं घुटने के बल आकर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई किया। ईश्वर ने यह आदेश दिया, बेटा तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा हम लोगों को ले चलते हैं। उस समय जब आप प्रेरित को पढ़ेंगे तो ईश्वर का आत्मा कैसे विश्वास के साथ अपने उस प्रेरितों को कैसे जगह जगह ले जा रहे थे, और ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वे कई जगहों पर बीमारों पर वे हाथ रखते थे। हम लोग पतरस के विषय में सुनते हैं, वो लंगड़ा भिखारी जो सुंदर नामक फाटक के पास पड़ा हुआ था, जो भीख मांग रहा था, पतरस बोलते मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से चल। फिर लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगता है, उसको क्या मिला? यीशु मिला। हमें भी प्रभु ने उस समय में यह आदेश दिया, और मैंने उस बच्चे से कहा कि टिकट करवाइए, हम लोग चलेंगे आपके पिताजी के पास मिलने के लिए। हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, फिर भी हम लोग चले गए मुंबई तक। और मैं आपको बताऊं, वहां यात्रा करने के बाद जब हम लोग पहुंचे, पहले दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, जिस दिन हम पहुँचे सिर्फ एक लोगों को मिलने के लिए अलाउ था, और उनकी जो पत्नी थी वो गई मिलने के लिए। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे मिलने का समय फिर से था। मुझे कहा गया कि आज के दिन में तो आप ही जा कर के मिलिए, चूँकि ईश्वर ने आपको इस स्थान पे भेजा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको बताऊँ, डेड बॉडी की तरह उसका शरीर पड़ा हुआ था, और इस विश्वास के साथ, चूंकि मैं जानती हूं मेरे अंदर में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा पिता सामर्थ्य है। मेरे पिता का ये आदेश है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे रोगी, वे बीमारी यीशु के नाम से जाएंगी, वे रोगी चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा प्रभु आपने कहा है अपने शास्त्र में। और आज मैं आप पर विश्वास करते हुए मैं इस हॉस्पिटल में प्रभु आपके बेटे से मिलने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊं कि कई दिनों से, कई महीनों से जो इंसान सेंसलेस थे, जिसकी केवल सांसें चल रही थी, डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि इसको यहाँ से लेकर चले जाइए, और लास्ट आखिरी समय में परमेश्वर ने भेजा उस स्थान पर। मैं जैसे ही उस जगह, जिस जगह पर उनको लिटाया गया था हॉस्पिटल में, मैं वहाँ गई और मैं खड़ी होकर के मैं फिर से आंख बंद की और मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ये आपका बेटा है, तूने बनाया है पिता, आज प्रभु आपने ये कहा है तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे, हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु आज मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर यीशु मैं आपके नाम से हाथ रखती हूँ। और जैसे ही मैं आपको बताऊं कि उसके माथे पर तेल का विलेपन करते हुए, क्रूस का चिन्ह बनाते हुए, उसके लिए प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाए, उसकी आंखें खुल गई। जो उस जगह पर और भी उनके जो भी स्टाफ थे, और चूंकि वो एक आर्मी रैंक के एक ऑफिसर थे, उस जगह पर लोग और भी थे, उनके सहयोगी स्टाफ, वे खड़े होकर के वे भी देख रहे थे। पहली बार वो आंख खोले, और प्रभु ने मुझे उसी समय में बताया कि मैंने उन्हें स्पर्श किया है, आज वे मेरे नाम से
वे चंगे हो गए हैं, मैं धन्यवाद दी। मैंने कहा कि आप ठीक हो जाइएगा, धन्यवाद बोल करके मैं वहाँ से निकली। मैं आपको बताऊं कि अगले उसी दिन संध्या में फिर मिलने का समय था, उनकी धर्म पत्नी फिर से गई और उनके हस्बैंड ने उस समय में पहली बार उसने आंखें अपनी खोल दी प्रभु के नाम से। दूसरी बार उसने कहा कि कोई मेरे सिर पर हाथ रख करके गए, मुझे उनसे मिलना है। तीसरे दिन हम लोग मुंबई से निकल चुके थे वापस रांची के लिए। मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति स्वस्थ होकर के वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे जाकर मिलना है, मैं उससे मिली। वो फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ईश्वर ने कहा विश्वास करने वाले नई नई भाषा बोलेंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मैंने यीशु के नाम पर उस पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि प्रभु ये तेरा बेटा है। कई सारे प्रभु की अनुग्रह रही कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके लिए क्या प्रार्थना करना है, मुझे नहीं मालूम था। प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर वक्त में सिखाया। आज यहाँ जो बहन सोनम और बहन कीर्ति जो आराधना कर रही थी, बहन सोनम कई वर्षों से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी, वे खुद के ही हाथ को वो काटती थी। ईश्वर मुझे जिस उद्देश्य के तहत रांची लेकर के आए, मैं जिस परिवार में कांचाटोली पर ठहरी हुई थी, बहन आशमा, उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा पीड़ित थी। वो चिल्लाती थी, उसकी माँ रोती थी कि मेरी बेटी आज से मर जाएगी। और जब मुझे ये संदेश मिला और मैं वहाँ यीशु पर विश्वास करते हुए, मैं और मेरे टीम के लोग आए हुए थे, और प्रभु ने मुझे बताया कि इनसे कहो कि इनका विश्वास किसी अन्य चीज पर है, ये इंसान पर भरोसा रखते हैं, इनका भरोसा किसी तंत्र मंत्र किसी जादू टोना की शक्ति पर है, इनका विश्वास मेरे पे नहीं है। और इसके शरीर पर तंत्र मंत्र और जादू टोना की वे चीजें बंधी हुई है, मैं इसलिए आज बता रही हूँ, चूंकि मेरा गुरु मेरा शिक्षक स्वयं प्रभु है, स्वयं पवित्र आत्मा निरंतर मार्गदर्शन करते रहे। कोई बड़े सीनियर नहीं थे जो मुझे गाइड करे कि क्या करना है। आज हमारे जब सहयोगी भाई बहनें आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आज पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं और आप सबों को ये सीखने का ये अवसर मिलता है। पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, स्वयं प्रभु ने ये बतलाया तू मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझसे बातें करूँगा। और प्रभु से हमेशा पूछ पूछ करके कार्य करते थे। मैं जब वहाँ ये रांची आई उस बहन के पास, मैं आपको बताऊँ कि वो तड़प रही थी, काफ़ी उनका शरीर ऊपर उठ जा रहा था बिस्तर पर से। मैं पहली बार, चूँकि मैं ऐसे किसी फिल्म में मैं देखी थी और पहली बार मेरे आंखों के सामने ये दृश्य था, और उसकी माँ का रोता और चीखता हुआ वो चेहरा मुझे बहुत ही बिल्कुल भयानक था, बिल्कुल अद्भुत था। और मैं बोल रही थी कि प्रभु ये तेरी बेटी है, इसके शरीर पर दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, ये शरीर तेरा मंदिर है प्रभु, तूने बनाया है, आज यीशु के नाम से इस बहन को स्वतंत्र कीजिए। मैं यही बोल रही थी, प्रभु स्वतंत्र कीजिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति इनके जीवन में काम ना करे, प्रभु ये तेरे लोग हैं, तूने बनाया है, अपने हाथों से तूने मनुष्य को रचा है, तूने अपने प्रतिरूप बनाया है प्रभु, तू अपने सामर्थ को अपने उपस्थिति को प्रकट कर। मैं आपको बताऊं उसी क्षण वो बहन जैसे उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे प्रभु के नाम से चिल्ला रही थी, काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद शांत हो गई, उठ बैठी, उसका शरीर जो उठ रहा था बिस्तर पर से काफी, मैं तो ऐसा फिल्म में देखी थी और मेरे लिए वो पहली घटना थी।
और वो सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने, एक एक पल मेरे आंखों के सामने गूंज रहा था। मैं रह रह के मैं बात कर रहे थे परिवार के सदस्य, पर मैं शांत हो जा रही थी। मैं उनके दुखों को प्रभु मुझे समझा रहा था कि आज ऐसे ही इंसान बंधनों में जकड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आए, ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। आज मेरे ऊपर विश्वास कर, जैसा मैंने अपने शिष्यों को कहा, यह आदेश दिया कि तुम उस पर विश्वास कर और मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि इस बहन के कमर पे कौन सी ऐसी चीजें बंधी हुई है। वो लोग बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि बहन इधर आइए। बगल के कमरे में ले गए, उसकी मम्मी, उसकी बड़ी मम्मी थी, और मैंने कहा कि आपके कमर में क्या ऐसा चीज है, आप लोग कहाँ गए थे, आपने अपने जीवित ईश्वर पर, जिस ईश्वर ने बनाया, बड़े प्रेम से रचा, उस माँ के गर्भ से उस अंधकार में हम गड़े जा रहे थे, वो ईश्वर की कृपा ना हो तो हमारी सांसें नहीं चल सकती है। और प्रभु ने अपना सामर्थ्य को दिखाया। मैंने कहा कि खोल दीजिए इसको, और उसी वक्त में खोल दिए। तुरंत ट्रे में पानी उन्हें लेकर के सर्व करते हुए हम लोगों को पिला रही थी। प्रभु ने उस बहन को स्वतंत्र किया। ऐसे ही मैंने सैकड़ों ऐसे भाई और बहनों के जीवन को मैंने देखा कि वे दुष्ट आत्माओं से वे सताए जा रहे थे, वे रो रहे थे, वे चीख रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, और मेरे अंदर में मैं कह रहे उस दुख को मैं अनुभव कर रही थी, क्योंकि उनके साथ जो सिचुएशन था वो सिचुएशन से मैं भी एक समय था कि मैं भी गुजरी हुई थी, तो मैं उसकी दर्द और पीड़ाओं को मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझ पा रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे भी ऊपर एक काला साया पूरी तरह से मुझे घेर लेता था और मैं बेहोश हो जाती थी। मेरे परिवार के सदस्य मुझे उठाकर घर लेकर आते थे, स्कूल चलते थे, रास्ते में मैं गिर जाती थी, स्कूल से मुझे वापस घर लेकर के आते थे, और ऐसा कई वर्षों तक शैतान मुझे परेशान करता रहा। मैं बोलती थी कि प्रभु कब तक, कब तक प्रभु आप शांत रहेंगे, कब प्रभु अपनी उपस्थिति से मुझे भरेंगे, मैं थक चुकी हूँ जिंदगी से, मैं हार चुकी हूँ, प्रभु तू अपना सामर्थ्य को, अपनी करुणा को, आज अपने विश्वास का दान को दे। जगह जगह जो आज का जो दूसरा खंड का जो वचन है, ईश्वर का वचन यहाँ कहता है यिर्मयाह में, मैं इसलिए इस बातों को बहुत ही गहराई से मैं समझ पा रही थी, चूंकि ये घटनाएं मेरे साथ भी घट चुकी थी। यिर्मयाह 17:5 में लिखता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार के सदस्य सोचते थे, मेरे पिताजी सोचते थे, शायद किसी इंसान के पास चले जाएं, शायद वह कुछ कह दे और मेरी बेटी ठीक हो जाएंगी, कुछ बांध दे शायद मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, और इस तरह करके कई वर्ष गुजरते हुए चले गए। मेरे पिताजी भी गुजर गए इस बीच में। मेरे परिवार के सदस्य काफी परेशान थे, मैं भी परेशान थी। मैं बोलती थी, प्रभु कब तक आप शांत रहेंगे, कब मुझे आप उस विश्वास के दान को देंगे, कब प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य को मेरे ऊपर में उंडेलेंगे, प्रभु कि मैं तुझे पहचान सकूं, कि तू जीवित परमेश्वर है, तू अपने लोगों को शैतान के जो जकड़नों में जकड़े हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, प्रभु उनको आप स्वतंत्र कीजिएगा। प्रभु हमने तो ये पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन प्रभु तू आज अपने उपस्थिति को, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर। और अंत तक कई वर्षों के बाद 2001 में मुझे इस बंधन से मुझे छुटकारा मिला। आज प्रभु को महिमा मिले। लेकिन कई वर्षों तक मैं परेशान रही, मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्य विचलित और परेशान रहे। उनके परेशानियों को देखकर वे भी इंसान पर भरोसा करते हुए, वे जगह जगह कई बार हॉस्पिटल लिया गया, डॉक्टर बोलते थे सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बच्ची परेशान है। बहुत सारे प्रार्थनाएं हुए, बहुत सारे लोगों पर
हमारे परिवार के सदस्य हम सबों ने भरोसा किया, लेकिन आज का जो वचन है दूसरा खंड का, यहोवा कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। पुरुष के जगह में केवल पुरुष से नहीं, आप स्त्री भी लगा दीजिए। ईश्वर बोलता है श्रापित है वो इंसान जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है। हम भरोसा रखते थे, हमारे परिवार के लोग भरोसा रखते थे किसी इंसान पर, शायद उस इंसान के द्वारा छुटकारा मिलेगी, लेकिन आज ना ही किसी सेवक ना ही किसी सेविका के द्वारा, लेकिन प्रभु उनके शरीर को मात्र इस्तेमाल करता है और प्रभु का सामर्थ्य ईश्वर ही उस व्यक्ति को स्पर्श करते हैं और अपनी चंगाई को देते हैं। मैंने इस बात को महसूस किया, मैं देखती थी कि दुष्ट आत्माएं कैसे परिवारों में, आज ईश्वर हम लोगों को बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं को वे निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आज परिवार में अशांति का दुष्ट आत्मा है, नशा पान का दुष्ट आत्मा है, आज मिर्गी का दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताऊं कि एक दुष्ट आत्मा पीड़ित को हमारे कुछ अगवे हैं वे लोग ढूंढते हुए वे पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया लगभग 13 साल से मिर्गी की दुष्ट आत्मा से वो बहन पीड़ित थी। कौन बिर नवाटोली से लोग लेकर के आए थे और दिन भर में शैतान उस पर मिर्गी का दुष्ट आत्मा 15 से 20 बार अटैक करता था। वो बहन परेशान हो चुकी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने उससे कहा कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं क्या, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं कि जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो ईश्वर आज हमारी और आपकी सहायता करेंगे। आप सबसे पहले मेरे ऊपर नहीं, मैं आपको धोखा दे सकती हूँ, लेकिन मेरा पिता जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। उस ईश्वर पर विश्वास करें। और उन्होंने विश्वास किया, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्षमा मांगा और 15 वर्षों से जो बहन मिर्गी की दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी प्रभु ने उसी वक्त उस बहन को एक अच्छा अंगीकार करने के वक्त में उन्होंने क्षमा मांगा, प्रभु को पुकारा और उसी समय प्रभु ने अपने नाम से उन्हें दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र किया। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, लेकिन उससे पहले मैं भी उस परिस्थिति से गुजरी। उससे पहले हमारा और मैं इंसान पर भरोसा करते थे। एक दिन प्रभु ने मुझे समझाया, बहुत पहले ही जब मुझे अभिषेक मिलने के, ये तो 2012 की बात है, लेकिन उसके पहले मुझे लगभग शायद 99 आसपास में मुझे प्रभु ने एक दिन बतलाया, मैं अपने लोगों पर मैं बहुत भरोसा करती थी और चूंकि हम भरोसा करेंगे विश्वास करेंगे तो हमारी अपेक्षाएं उस इंसान से हो जाती है और यही एक अपेक्षा थी कि मेरा विश्वास और भरोसा किसी इंसान पर हो रहा था, अपने ही लोगों पर। और मैं आपको बताऊं कि जब मुझे धोखा मिला किसी गैरों से नहीं अपनों से, उस दिन पवित्र आत्मा मैं काफी रोई, मैं घंटों रोई, 5 से 6 घंटा तक मैं रोती रही रोती रही। मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आज बोल, तू अपनी आत्मा के द्वारा तू हमें निरुत्तर कर, प्रभु तू क्या चाहता है हम मनुष्य से, हम तो नीरे और तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो पापी और कमजोर हैं, प्रभु हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु मैं ये जानती हूँ कि तू निर्बुद्धि को, अज्ञानी को, पापी को, तुच्छ को, दलित को, कमजोर को, असहाय को तू चुनता है। प्रभु मैं इस बात को भी जानती हूँ और मैं तेरे ऊपर विश्वास करती हूँ, प्रभु तू आज मुझे बता। प्रभु ने मुझे उस दिन यही वचन दिया, धिक्कार है उस मनुष्य को, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन की जो भी जरूरतें रही, चाहे वो एक पेंसिल की बातें क्यों ना हो, चाहे वो एक रबर ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले मेरी जरूरतों के साथ मैं प्रभु के निकट आती थी और प्रभु को मैंने, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया इस वचन को पढ़कर। मैंने कहा कि प्रभु सचमुच में तू महान है, सही में प्रभु तू पिता है, सही में तू हमारा गुरु है,
तो हर वक्त हम सबों को सिखाना चाहता है। मैं टूटी फूट फूट करके मैं रोई, सारी बातें कह के मैं प्रभु के समक्ष बैठ गई, रो रो कर थक चुकी थी। और उसके बाद मैंने कहा कि प्रभु आज मुझे बता, तू आज के दिन भर में आप हमको क्या सिखाना चाहे। इस सिचुएशन के द्वारा, इस परिस्थिति के द्वारा प्रभु ने मुझे समझाया, बेटा तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। एक इंसान आपको छोड़ सकता है, एक माँ बाप छोड़ सकते हैं, भाई बहन सगे लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद तेरे इस प्रेम को प्रकट करने के लिए, इस लेसन को सिखाने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद आज तक मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु ने मुझे हर वक्त समझाया। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, परिवार में आते गए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु ने माध्यम बनाया, लेकिन प्रभु ने मुझे ये भी बातों को समझाया, बेटा ये तुम्हारे कोई अपने सगे लोग नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे। मैं उस दुख को अनुभव कर रही थी कि यीशु को ये मालूम था कि यहूदा इस्करियोती युद्ध चोर है, वो उसी बटुए में से पैसा निकालता है, वो यीशु मसीह को धोखा देने वाला है, यीशु को ये मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया। और जब मैं इस बातों का मुझे प्रभु एहसास करा रहे थे कि कैसे अपने ईश्वर पर भरोसा करना है, वहां यीशु मनुष्य को अपने शिष्यों को प्रश्न करने वाला काम नहीं कर रहे थे, वो ईश्वर को प्रश्न करने वाला काम कर रहे थे। वो जानते थे, ये बात उनको मालूम थी कि पहला दिन से वो बटुआ में से पैसा चोरी कर रहा है, ये विश्वासघात करने वाला है, ये व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, ये मुझे धोखा देगा। यीशु को ये बातें मालूम थी, मुझे कई सारी बातें ये जानकारी थी कि अपने लोग ऐसे करेंगे, लेकिन ईश्वर बोल रहे कि बेटा तू ऐसा व्यवहार ना कर। मैं रोती थी, मैं बोलती थी कि प्रभु मैं, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मेरे ऊपर वो विश्वास नहीं है। जो विश्वास आपको ईश्वर के द्वारा मिला था, मुझे आज वो विश्वास का दान दे, मुझे तू आज वो प्रेम दे कि प्रभु अगर ऐसे लोग भी मिलेंगे तो मैं उन लोगों के साथ सच्चा प्रेम कर सकूं। ईश्वर बोलता है इतना भला करो, इतना भला करो, उसके सर पर जलता हुआ अंगार लग जाए। प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। मैं सब चीज जान करके भी मैं चुप रहती थी, मुझे मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं उसको, मुझे मालूम था कि मेरे ही घर में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं जानवर बांध करके मैं स्कूल जाया करती थी, वापस लौटने तक जानवर को कोई बेच देते थे। मेरे लिए ये दर्दनाक घटना थी। एक एक पल प्रभु ने मुझे तोड़ तोड़ कर रख दिया, और प्रभु ने इंसान से तोड़कर प्रभु ने अपने से रिश्ता को जोड़ा। आज मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ एक एक उस पलों के लिए कि प्रभु हर क्षण मुझे सिखा रहे थे, हर वक्त समझा रहे थे। जिस खेती को मैं करती थी, प्रभु बताते थे कि यह इंसान चोरी किया है, ये धान की बालियों को ये काट चुके हैं, सामने दिखाते थे, लेकिन मैं बोलती थी प्रभु मेरे में वो विश्वास नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। तू आज मुझे जैसे अपने शिष्यों को उस विश्वास को तूने दिया था, आज मुझे वो विश्वास को दे। जैसे आपका अपने पिता के प्रति विश्वास था और मृत्यु तक आप आज्ञाकारी रहे, पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं चले, वही पवित्र आत्मा, वही विश्वास का दान, वही आज्ञाकारिता को दे प्रभु। परिस्थितियां बहुत बिकट आई, लेकिन प्रभु ने मुझे नित प्रतिदिन स्थिर किया, और आज तक प्रभु की कृपा है, ईश्वर की अनुग्रह है कि प्रभु ने खड़ा किया। कई बार स्थितियां ऐसे भी आई कि मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया, मैं अनजाने जगह पर अनजाने लोगों के बीच में अनजाने परिवार में मैं चलकर रह गई। कई सारी घटनाएं आज मुझे याद आ रही थी, और मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रही थी कि सही बात है प्रभु कि आप अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं, और मैं आपको आज बाइबल से बताऊंगी कि
हनोक जो ईश्वर स्वयं उसके साथ चलते थे, इब्रानियों में भी लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 में हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो विश्वास पात्र इंसान रहे, ईश्वर के प्रति वफादार थे, ईश्वर पर विश्वास करते थे और ईश्वर जो जो आदेश देते थे उस आदेश के अनुसार चलते गए चलते गए। वे सशरीर उठा लिए गए, वो मृत्यु का स्वाद को उन्होंने नहीं चखा, ईश्वर ने उसे अपने स्वर्ग में उठा लिया। नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया कि पाप इतना ज्यादा भयानक हो गया है कि इस पाप को नष्ट करने के लिए मुझे जल प्रलय को भेजना पड़ेगा, लेकिन तू मेरे ऊपर विश्वास कर और एक जहाज का निर्माण कर। वो प्रभु के आदेश का पालन किए, विश्वास करते गए और नूह और उनका संपूर्ण परिवार बच गए। और ईश्वर ने जो जो उनको आदेश दिया था उस जहाज के अंदर में, उस भारी जल प्रलय के समय में जब सारे जगह में सारे मानव जाति और जीव जंतु सब समाप्त हो गए, प्रभु ने नूह और उनके परिवार और नूह को जो आदेश दिए थे प्रभु ने संभाला, उनकी रक्षा किया। अब्राहम के बारे में हम लोग सुनते हैं बाइबल में, अब्राहम को विश्वासियों का पिता माना जाता है कि वो ईश्वर पर विश्वास करते थे और विश्वास के द्वारा ही तो सारा को उस बुढ़ापे की अवस्था में प्रभु ने संतान की आशीष को दिया। हम लोग इब्रानियों में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 का 11 में, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। ईश्वर अगर प्रतिज्ञा किए हैं कि इस बुढ़ापे में संतान की आशीष को देंगे, तो प्रभु ने उसको दिया इसहाक के रूप में। अब्राहम इस बात को जानते थे कि जो पिता मुझे इस बुढ़ापे में संतान की आशीष को दिए हैं, वो वही ईश्वर आज बोल रहे हैं अपने बेटे को बलि चढ़ा दो। वो ले चलते हैं बलिदान चढ़ाने के लिए, और जैसे ही उस बलि वेदी पर उसको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, ईश्वर ऊपर से उसको आवाज देते हैं और रोक देते हैं। क्योंकि अब्राहम को यह मालूम था जो ईश्वर संतान की आशीष देने में सक्षम है, अगर वो ईश्वर आज ले भी रहे हैं तो वो ईश्वर देने में भी सक्षम है। अय्यूब को यह बात मालूम थी, विकट परिस्थिति में हमारा विश्वास जांचा और परखा जाता है। और अय्यूब के साथ जब परिस्थितियां विपरीत आई, उनके जानवर उनके बाल बच्चे सब मारे गए, उस समय में अय्यूब धन्यवाद दे रहे थे ईश्वर को, ईश्वर पर विश्वास को प्रकट किया। उनके शरीर पर घाव हुए, कोढ़ हो गए, उसके सहयोगी मित्र उसको ताना दे करके चले गए, लेकिन वो विश्वास में स्थिर बने रहे। और अंततः जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, ईश्वर अय्यूब को बोलते हैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो, और वो जैसे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको पहले से जस्ट दुगुना आशीष को देते हैं। हम लोग मूसा के बारे में सुनते हैं, इब्रानियों 11 का 23 में लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। उस समय में ये आदेश था कि पहलौठों को मार दिया जाए, और मूसा के माता पिता देखे कि मूसा बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, और वो लोग मूसा को ले जाते हैं नील नदी के किनारे और वहाँ छुपा देते हैं। रानी और उनकी राजकुमारियाँ आती हैं, और मूसा को जो नील नदी के किनारे पड़ा हुआ था, उस मूसा को वो लोग मिस्र में ले जाते हैं, और मिस्र देश में मूसा का परवरिश एक राजमहल में एक राजकुमार की तरह होता है, लेकिन वहां पर मिस्री होने से वो इनकार कर देता है, वो डरता नहीं है, और वो अपने लोगों को जो मिस्र में थे, हम लोग देखेंगे कि मूसा बाद में कैसे पलता बढ़ता है और कैसे उस बियावान के जंगल में भागकर चला जाता है, और कैसे मूसा बाद में अपने ही लोगों को बचाने के लिए जो मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर ने
मूसा को चुना, जलती हुई झाड़ी में से ईश्वर मूसा पर अपने आप को प्रकट करते हैं और उस इसराइली लोग जो मिस्र में गुलामी में थे उन लोगों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा परमेश्वर के नाम से कैसे उनको स्वतंत्र करते हैं। मूसा का यह विश्वास था, मूसा ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे थे। आज हम और आप जब जब विपरीत परिस्थिति आती है हम घबरा जाते हैं। मैं भी डरती थी, लेकिन प्रभु ने कहा डरते डरते ही सही आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे जो बंदी गृह में है। जैसे पौलुस और सीलास आदि रात को प्रार्थना कर रहे थे, बंदी गृह का दरवाजा खुल जाता है, उस जंजीरें टूट जाएंगी, जो लोग बंधनों में है, जो लोग बंद कारावास में है प्रभु उनको स्वतंत्र करेगा। जब मैं याद कर रही थी आज प्रभु के जो दास हमारे भाई राज हैं, जिस माध्यम से वो प्रार्थना योद्धा परिवार में आए थे, उनके ही जानने वाले लोग बंदी गृह में थे, वो संपूर्ण परिवार ढूंढते हुए वो आए हुए थे, वे मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, वे प्रभु को ढूंढ रहे थे। उन्होंने इंसान पर नहीं, लेकिन उन्होंने इंसान के पहले उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा। ईश्वर बोलते हैं चक कर देखो, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। माध्यम क्या था और प्रभु को चूंकि अपना दास बनाना था, प्रभु तो बना चुके थे। और जब पहली बार वो आए हुए थे और वेदी में मैं पहली बार घुटने के बल आकर उस भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने बताया यह मेरा दास है। मैं भी रो रही थी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपकी दागबारी में काम करने के लिए आज मजदूरों की कमी है, तो अपने दास को भेज, अपने शेखों को भेज, अपने लोगों से बातचीत करने के लिए मुझे काउंसलर चाहिए प्रभु, जो एक अनुभवी व्यक्ति हो। प्रभु का वचन कहता है जो दूर का यात्रा किया वो अनुभवी है। मुझे बाहरी चीजें मुझे मालूम नहीं थी, मैं जब आई तो मुझे पता चला कि आज लोगों के अंदर में इतनी गंदगियां होती है, लोग इतने छल कपट की बातें सोचते हैं, लोग एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं, उनके जीवन में प्रेम का अभाव है, उनके जीवन में विश्वास की कमी है, उनका एक दूसरे पर ही उनका ट्रस्ट हो गया है, उनका विश्वास ईश्वर पर से वे लोग दूर हो गए हैं। ईश्वर का वचन आज कह रहा है कि आज ईश्वर बोल रहे हैं धिक्कार है उस पुरुष को, श्रापित है वह पुरुष जो किसी पुरुष इंसान पर भरोसा रखता है, श्रापित है वह स्त्री जो किसी इंसान पर भरोसा रखती है। आज इंसान हमें धोखा देगा, लेकिन प्रभु हमें धोखा नहीं देंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो भी है इस जगह पर आज तक प्रभु ने स्थिर किया, प्रभु ने अपने दास को स्थिर किया, प्रभु ने अपने पास बुलाया और उनके जानने वाले को बंदीगृह में प्रभु ने चमत्कारी रूप से प्रभु ने स्वतंत्र किया। बिल्कुल भी वो ये समय नहीं था कि उस समय में उतने सारे लोगों का केस सुना जाए और उनका उनको बेल मिल जाए, ऐसा कतई संभव नहीं था। लेकिन हमें मालूम है ईश्वर ने यह वचन में कहा है, घोषित किया अपने वचन में कि ईश्वर के लिए कुछ भी चीजें संभव नहीं है, हर असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु ने चमत्कारी ढंग से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किया, वे संपूर्ण परिवार विश्वास के साथ। मैं आपको देखूं, पहली बार मैं सेवकाई में आने के बाद मैं पहला ऐसा परिवार को मैं देखी थी जब वचन सुनाने के लिए उनके परिवार पर गए थे, संपूर्ण परिवार घुटने के बल आकर फूट फूट कर वे प्रभु से क्षमा मांग रहे थे। प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्रभु हमें क्षमा कर, हम सबों पर दया कर। प्रभु ने अपनी दया को अपनी महानता को प्रकट किया और प्रभु ने संपूर्ण परिवार को अपने महिमा के लिए प्रभु ने चुना। मैं पहला ऐसा विश्वास को मैं देख रही थी, मैं बचपन से कभी मैं ऐसा नहीं देखी थी। वे गिड़गिड़ाते हुए वे प्रार्थना करते थे, प्रभु का जो आदेश था, मैंने कहा कि आप लोग प्रभु की वेदी पर आए, संपूर्ण परिवार हर दिन आते थे और स्तुति करते थे सारे हम लोग मिल करके। मैं आपको बताऊं, उसके पिता कई वर्षों से
जो खाने खाने की आदत थी प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया। उनके जो घर में माता जी है उनके पैर में कोई गोला की तरह था, वो गोला चला गया। भाई की जो वाइफ है बहन साक्षी, उसके कांधे पर जो दर्द था प्रभु ने उस दर्द से उसको रिलीज किया। उस परिवार से तो उस बंदी गृह से प्रभु ने स्वतंत्र किया और प्रभु ने विश्वास का दान को दिया कि आज अन्य लोगों के लिए प्रभु ने एक गवाह बनाया है। आज हम और आप गवाह हैं, आज हम और आप विश्वास करेंगे। ईश्वर बोल रहे, वे नवीन भाषा बोलेंगे, हम प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे और लोगों के जीवन पर हाथ रखेंगे, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएंगे। ये हमारे और आपके अंदर प्रभु ने वो सामर्थ को दिया। आज आप पहचाने, हम पहचानना भूल गए हैं, हम फालतू की बातों में आज उलझे हुए, हम उलझे नहीं। और पहली बात मैंने आज बताया यिर्मयाह से कि आप इंसान पर नहीं लेकिन आपका भरोसा किस पर होना है, ईश्वर पर। ईश्वर बोल रहे हैं वचन में, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। अगर हम किसी इंसान का भरोसा रखेंगे धीरे धीरे हम ईश्वर से क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ईश्वर बोलते हैं वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। मैं आपको बताऊं कि इंसान एक स्वार्थी इंसान है। मैं कई बार जीवन में ऐसे पहलुओं को मैंने देखा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सही में एक स्वार्थ पर्दा है एक इंसान के अंदर में, और ईश्वर का जो स्वभाव है उस स्वभाव के ठीक विपरीत हम काम करते हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं कि जो इंसान पर भरोसा रखेगा, ईश्वर बोल रहे हैं कि वो कभी भी भलाई को नहीं देखेगा। अर्थात आज आपके जीवन में भलाई के कार्य को देखना है तो सबसे पहले आपको किसके ऊपर विश्वास करना है, ईश्वर पर, उसके बाद उनके सेवकों पर। क्योंकि मैंने भी धोखा खाया और तब ईश्वर ने वहां से मेरी आंखों की जो पर्दा थी, जो पट्टी थी, उस पट्टी को परमेश्वर ने खोल दिया और ईश्वर ने कहा मेरे ऊपर भरोसा कर, विश्वास करके देखो, चल के देखो, परख के देखो कि मैं कितना भला हूं। और ईश्वर बोल रहे जो इंसान पर भरोसा रखेगा वो कभी भलाई को ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा, उसका जीवन कभी भी आशीषित नहीं होगा। ईश्वर बोल रहे हैं इसीलिए हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, फिर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा क्लेश ये सारी चीजें होती है। जिस दिन हमारा विश्वास ईश्वर पर होगा उस दिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। प्रभु ने धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। आज अपेक्षा वो नहीं होता है, लगता है नहीं प्रभु है और प्रभु अपने लोगों को खड़ा करेगा। कई बार परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिया, हर जगह अपने लोगों को प्रभु ने खड़ा किया। मुझे मालूम है कि अगर मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगी, मेरा पिता बिल्कुल अनोखा है, अद्भुत है, अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है, वो सामर्थी है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है जैसे शिष्यों के द्वारा प्रभु सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। ईश्वर बोल रहे धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। कौन धन्य होगा, जो ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। ईश्वर बोल रहे जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना होगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भलाई होगा। जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई तुम्हारे सामने रखा हुआ है। मूसा ने भलाई को चुना, यूसुफ ने भलाई को चुना, दानियल ने वहां पर राजा को प्रश्न करने वाला काम नहीं किया, उसने ईश्वर को प्रश्न करने वाला काम को किया और प्रभु ने दानियल के जीवन में भलाई किया। यीशु मसीह ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते गए, ईश्वर पर भरोसा करते गए, ईश्वर पर विश्वास करते गए। लोग सोच रहे थे, शैतान खुश हो रहा था कि हम यीशु मसीह को मार दिए, ये समाप्त हो गया, वो संसार का जो नायक है शैतान वो खुश हो रहा था। लेकिन जहां वो खुश हो रहा था प्रभु ने वहां अपने पुत्र को महिमान्वित किया, मरकर फिर से परमेश्वर ने
जीवित किया। ईश्वर बोल रहे हैं वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो पौधा नाले के किनारे जहाँ पानी मिलता है उस जगह पर लगा हुआ रहता है, वो पौधा हमेशा हरा भरा और फलवंत होता है। मैं आपको बताऊं कि इस आराधनालय में कुछ फूल लगे हुए थे गेट से घुसते ही, ऑरेंज कलर का, बैगनी कलर का, सब कलर का फूल सालों भर खिलता हुआ देखने को हम सबों को मिला। क्यों? क्योंकि हमारे भाई ने तब भी एक उपाय किया, प्रभु ने उसको प्रज्ञा दिया हमारे सहयोगी भाइयों को, और फुहारा की तरह उस पर पानी दिया जा रहा था। उस कड़ी धूप में भी वो फूल खिला हुआ था और देखने में बहुत खूबसूरत था। वैसे ईश्वर बोल रहे हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उस नाले के किनारे उस पौधे के समान है जो हमेशा हरे भरे रहेंगे, फलवंत होंगे। हम यीशु पर भरोसा करेंगे, ईश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो हमेशा ईश्वर हमारे जीवन को क्या करेंगे? फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे। लेकिन अगर हम इंसान पर भरोसा करेंगे, इंसान से अपेक्षाएं होने लगेंगे, हम टूटेंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। ईश्वर का वचन ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन प्रेम इसका मतलब कम नहीं करना है। यीशु मसीह को ये मालूम था कि बटुआ में से वो पैसा चोरी कर रहा था, प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। जब शिष्यों को पैर धोने का वक्त आया वहाँ भी अपना प्रेम को प्रकट किया। सारी मानवता के बीच में एक मानवता का रूप, एक मनुष्य का रूप को धारण करते हुए उन्होंने एक अच्छे इंसानियत को, ईश्वर का पुत्र होने का कार्य को वहाँ पर दिखाया। तो आपके ऊपर में वो गुण समाप्त नहीं होना चाहिए। आप ईश्वर पर भरोसा करते हुए हर कार्य को करें, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु आपके जीवन को फलवंत करेंगे। जब प्रभु से जुड़े रहेंगे आप दुष्टात्माओं को निकालेंगे यीशु के नाम से। आपके ऊपर वो सामर्थ है, आपके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य है, आप नवीन भाषा, नई नई भाषा बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेंगे अनेक तरीके से। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीष दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे सारे पापों के लिए, हमारे सारे गुनाहों के लिए। प्रभु हम जब भी तेरे भय के विरुद्ध, तेरी इच्छाओं और आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते हैं पिता, उसके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु हम जो नहीं करना चाहते हैं वही हम सबसे हो जाता है पिता, इसके लिए मुझे क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर दे अलविता। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आराधनालय में है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उन सब ने, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब ने प्रभु, हम सब की इच्छाओं, हम सब ने जो आपकी इच्छाओं और आज्ञाओं के विरुद्ध काम किया है उसके लिए क्षमा कर प्रभु। यह प्रभु तूने आज बताया प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपनी दासी के द्वारा कि प्रभु वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारे अंदर जो तेरे द्वारा दी गई है, हम जिन भी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे
जिन भी कार्य को हम करना चाहेंगे वो तू मेरे ही माध्यम से करेगा, हम सबके माध्यम से करेगा प्रभु। इस यकीन को हम सबके जीवन में और बढ़ा प्रभु, हम ईश्वर तुझ पे भरोसा रख पाए प्रभु और आगे बढ़े प्रभु। ऐसी कृपा आज तू हम सब पे देना पिता, तेरा धन्यवाद ईश्वर। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। हे प्रभु, जो तूने हम सबको सामर्थ्य दिया, तूने कहा है जो तुझ पे विश्वास करेगा वो रोगियों के लिए प्रार्थना करेगा तो उसके रोग चंगे हो जाएंगे। प्रभु तूने कहा कि हम जो भी चाहेंगे पृथ्वी पे वो हो जाएगा प्रभु तेरे नाम से। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए, प्रार्थना करते हैं आज उन तमाम जो लोग नशे से ग्रसित हैं उनके लिए। तूने कहा कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं तक निकालेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए। तूने कहा कि प्रभु हम जिसको पवित्र आत्मा फूकेंगे वो मिल जाएगा। प्रभु जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रज्ञा और बुद्धि की मांग करते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो परिवार में अशांति है प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार से केस से जूझ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो विवाहिक जीवन को जीना चाहते हैं उन सारे अविवाहिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बेरोजगार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनका जमीन से संबंधित केस है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो निसंतान लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस वक्त यात्रा में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग नया काम कर रहे हैं प्रभु उनके काम करने में सहायता कर प्रभु। जितने लोग आज जन्मदिवस है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं विशेषकर उन तमाम गुरुओं के लिए जिनके माध्यम से हमने शिक्षा प्राप्त की है प्रभु। सिस्टर एस्थर के लिए, फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए, डीजीएस दिनाकरण साहब के लिए, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जिनके माध्यम से तूने हम सबको जीवन का मार्ग सिखाया, जिनके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रमोद भैया के लिए, भाई सलीम के लिए, वैसे जितने लोग हैं प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जोश मेयर के लिए प्रभु, जोएल स्टीन साहब के लिए प्रभु, प्रिंस जोसेफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं
जिनके शरीर के माध्यम से तूने पवित्र आत्मा हमें सिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया प्रभु, एक गुरु के रूप में प्रभु। तूने कहा कि किसी और अन्य गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु, वैसा गुरु जो दे दिया पवित्र आत्मा के रूप में, जो सब कुछ के लिए सक्षम है, जिस भी शरीर के माध्यम से जैसे भी हमें सिखाना समझाना चाहता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं माँ बाप, परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, उन तमाम छोटे और बड़े बच्चों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से हमें कोई शिक्षा मिलती है प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन सब दूर करना प्रभु। प्रशासन को भी अपने हद नियंत्रण में रखना प्रभु, बारिश को अपने नियंत्रण में रखना, लाइट बिजली हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना, कोई भी समस्या तेरे बच्चों को ना आए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, सहयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आज के भी प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। जो भी वचन यहाँ किसी के भी माध्यम से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको सुनने का नहीं, चलने का भी प्रयास करें, उस पर अपने आप को ढालने का प्रयास करें। हम सब बच्चे हैं, अभी चलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे हजारों खामियां हैं, गलतियां हैं, कृपया इसे नज़रअंदाज करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद, कल फिर से प्रार्थना उद्धव परिवार आपसे मुलाकात करेगी, हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना और आराधना करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएँ हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। तू ही मां।